हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका निधि व्लॉग्स में। तो आपने मेरे सारे वीडियोस देखे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे वीडियोस पे कमेंट किया उनको थैंक यू सो मच। और दिवाली का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। कल जैसे भी दिवाली मैंने मनाई, पूजा की, जो भी डेकोरेशन किया, कुछ भी किया, रंगोली से लेकर, दिया से लेकर, पूजा से लेकर और ड्रेस से लेकर, हर चीज़ विद फैमिली मैं आज इस छोटी सी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सी चीज़ें आपको बीच बीच में मिलेगी, तो बोर हो की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। क्योंकि कहीं पर आपको डेकोरेशन दिखेगा, कहीं पर आपको ड्रेस दिखेगी, कहीं फैमिली दिखेगी, कहीं पूजा दिखेगी, और जिस तरीके से घर को डेकोरेट किया वो दिखेगा। और पूरी चीज़ हम नहीं शेयर कर पाते हैं, आप भी जानते हैं कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और इतनी छोटी सी वीडियो देखने में लोग बोर हो जाते हैं, तो लॉन्ग वीडियो कौन देखेगा। तो हमने नीचे पोर्शन हमारा खाली था, हमने उसमें ही पूजा की थी और इस तरीके से ये डेकोरेशन किया था। ये पूरा वीडियो में आपको बाद में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ये सब देखने के लिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली लिखिएगा। तो ये फर्स्ट टाइम मैं अपने घर की फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए लाइटिंग से इस तरीके से सजाया गया था और साइड से ये वीडियो बनाई है, तो आपको तब भी समझ में आ रहा होगा। और सभी लोग वैसे भी दिवाली पर लाइटिंग से अपना घर डेकोरेट करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पर व्लॉग में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो ये हमारा एंट्रेंस है, हम ऊपर रहते हैं, नीचे का पोर्शन खाली रहता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से रेलिंग में लाइटिंग कर दी थी और सीढ़ियों पर ये देखिए प्लांट्स, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे वेस्ट डिब्बों से। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर फंक्शन पर, हर फेस्टिवल पर आपके साथ व्लॉग जरूर शेयर करती हूँ। और ये भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, और अगर देखना है आपको कि मैंने कैसे बनाया है, तो आप मेरे चैनल निधि व्लॉग्स पर जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। और ये है मेरी रंगोली, रंगोली की पूरी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, पर कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। और ये दूसरी रंगोली कम अच्छी है, क्योंकि कलर ख़त्म हो गए थे तो मैंने सही मैच नहीं किया कलर का, और इसी तरीके से रंगोली बना ली, तो ये कम अच्छी लग रही है। और हम कोई भी पूजा हो, आम के पत्ते ज़रूर लगाने चाहिए गेट पर, खिड़कियों पर, बंधन बाहर ज़रूर आम के पत्तों का लगाना चाहिए, शुभ होता है। तो हमने पूजा नीचे की थी, क्योंकि ज्ञान की वजह से हम सामान नीचे नहीं फैला सकते, तुरंत उठाना पड़ता है, तो हमने पूजा नीचे की थी पोर्शन में, क्योंकि वो खाली रहता है, वहाँ जरूर जल्दी सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप यहाँ तक आ गए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। ये देखिए मैंने कलर से चरण बनाए हैं, 5 चरण बनाए हैं गेट से लेकर मंदिर तक, ये देखिए। और ये सच में बहुत सुंदर लग रहे थे, प्रिंट आउट निकाल के उसको कट करके फिर कलर से बनाया है। मैं हमेशा चावल को पीस कर देहरी पर उससे डिज़ाइन ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये शुभ माना जाता है दिवाली को। और इस तरीके से वंडर वॉल लटकाना, झालर लगाना, ध्यान बहुत शैतानी कर रहा है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है, इसका सारा शोर आपकी वीडियो में आ रहा होगा। ये देखिए, ये मैंने लेट थोड़ा वीडियो बनाया है, फैन की वजह से दिए बुझ गए हैं, और जिस टाइम ही चल रहे थे बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये फ्लोटिंग कैंडल पानी में कलर डालकर, फूल डालकर जब डाली जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। आपको मैं दिखाती हूँ, सुनाती हूँ ज्ञान की शैतानी, और ये वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है। ये सारे दिए कलर किए थे। हाँ बोल दो, सारे फ्रेंड्स को बोल दो हैप्पी दिवाली। Bye, bye, bye.
पिता महादेवा बाबा क्या कर रहे बाबा बाबा क्या कर रहे बाबा रोको ये पानी डाल दे रहे और ये मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, इसका बॉर्डर ब्लैक है, इसका ब्लाउज भी ब्लैक है, इसका बॉर्डर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल सी साड़ी है, पूजा में रेड पहनना मुझे अच्छा लगता है। तो बताइएगा ये साड़ी भी कैसी है। और फिर से एक बार मैं आपको अपनी रंगोली का रिव्यू दिखाती हूँ, फिर से जल्दी जल्दी सब दिखाती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा। आप किसी भी चीज़ का आपको वीडियो देखना है तो आप निधि ब्लॉग्स चैनल पर जा सकते हैं, सर्च करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। Do like, subscribe, get notification. Thank you so much for watching.